मुझे वो भी गिला नहीं था। अगर वो कहती कि आपको टिकट नहीं है, मुझसे मशवरा करती या मुझे कन्वे करती, शायद मैं मान भी जाता, शायद मैं मान भी जाता। पर जिस तरह से उसने थोड़ा डिक्टेटरशिप अंदाज में दिखाने की कोशिश की कि मैं सुप्रीम हूँ, तुम कुछ नहीं हो, तुम्हारी औकात कुछ भी नहीं है, थोड़ा दुख तो हुआ, बट मुझे लोगों ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। महबूबा मुझे, मुफ्ती साहबा ने मुझे इस लायक नहीं समझा, हालांकि वो मुझे भाई बोलती थी, और शायद इसी वर्ड से मैं ब्लैकमेल हो गया। यानी इस लायक नहीं समझा कि आपसे मशवरा मुझसे पूछे, कम से कम पूछे तुमने। अब मैं 18 सीधा साधा आदमी, मेरे अकाउंट में 26,000 थे, मैंने ट्रांसफर कर दिए बाद में सारे पैसे, 26,000 थे, मैंने 26,000 के 26,000 ट्रांसफर कर दिए। बाद में मुझे किसी बंदे ने कहा, अरे बुद्धू तुम कितने सीधे साधे हो, ये 26,000 नहीं मांगते, ये 26 लाख मांगते हैं पार्टी टिकट के लिए, तुम्हें ये सब समझ में नहीं आता। मैंने कहा नहीं, मुझे ऐसा टिकट नहीं चाहिए जो खरीदना पड़े, इसका मतलब मुझे अपने लोगों का गला काटना पड़ेगा। और मैंने आज भी टिकट नहीं मांगा। क्यों मांगता? मैं उनको बोलता कि आप मुझे टिकट दीजिए, वो मेरी ह्यूमिलेशन नहीं होती? यहाँ 1-2 हज़ार लोग आए, कहा हम वहाँ जाएंगे, उससे बात करेंगे। मैंने कहा खबरदार, मैं ठोकर मारता हूँ ऐसे मैंडेट को, अगर तुम मुझे मांगना पड़े, नहीं लेना है मुझे ऐसी टिकट। वैसे भी मैंडेट लोग देते हैं, अपना एतमाद लोग देते हैं कि आप हमारे बदले असेंबली में बोलिए, वही मैंडेट होता है। 5 कनेक्शन से वो मेरी वजह से हारेंगे, याद रखना। कौन सी 5? शोपियां भी हारेंगे, राजपुरा भी जाएगा, अब तो मुझे लगता है दूसर भी जाएगा, अब बिजबारा पे तो अब मैं क्या ही बताऊं। कश्मीर लाइफ के सियासी मंजरनामा के एक और शुमारे में आप तमाम नाज़रीन का इस्तकबाल। इस वक्त हम मौजूद हैं ज़ैनापोरा में, जो कि शुपियन की एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है। इससे पहले इस कॉन्स्टिट्यूएंसी को वच्ची के नाम से जाना जाता था। और हमारे साथ मौजूद हैं एजाज मीर साहब, जो एक बतौर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट इस बार इलेक्शन लड़ रहे हैं, लेकिन इससे पहले इनका ताल्लुक जो है पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ था। वो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की टिकट पे एमएलए भी बने हैं इस कॉन्स्टिट्यूएंसी से, लेकिन क्या हुआ कि उन्हें पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को खैराबाद करना पड़ा और अपना जो सियासी सफ़र है वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट करना पड़ा, शुरू करना पड़ा, इन्हीं से जानते हैं। एजाज साहब बहुत शुक्रिया अपना वक्त देने के लिए। ये स्टोरी जो है ये हमें जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप एक लंबे वक्त से जो है पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ जुड़े थे। हाल ही में जो लोकसभा चुनाव हुए, लोकसभा इंतखाबात हुए, जब हम उसमें शामिल हुए तो हमने आपको देखा कि आप अपने पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के कैंडिडेट के लिए एक्टिवली जो है उनको सपोर्ट कर रहे थे, उनके लिए कैंपेन कर रहे थे। तो क्या ऐसी चीज़ हुई कि आपको पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को छोड़ के बतौर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट चुनाव लड़ने पड़े? देखिए, इस चीज़ का जवाब तो सिर्फ एक ही बंदा दे सकता है, वो है महबूबा मुफ्ती, जो पार्टी प्रेजिडेंट है PDP की। मुझे नहीं पता क्या हुआ है, मेरे को सिर्फ ये पता है कि मैं एक्टिवली ग्राउंड पे काम कर रहा था, ग्रास रूट लेवल पे। मैं गांव-गांव जाता था, रीच आउट करता था, पार्टी के प्रोग्राम्स, पार्टी का एजेंडा, पार्टी का मंशूर घर घर ले जाता था और अपने लीडर के बारे में बोलता था। सियासत में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मुनाफिक होते हैं, जिनको और कोई काम नहीं होता, उनका एक ही काम होता है मुखालफत करना। मुझे इस चीज़ का कोई गिला नहीं कि टिकट नहीं मिला, बट गिला मुझे यह है कि महबूबा मुफ्ती साहबा ने उन लोगों का सुना जो खुद टिकट मांग रहे थे, उन 8-10 बंदों का सुना, वो सारे दावेदार थे टिकट के, और शायद जो मैंने सुना उनके कहने के मुताबिक उनके कहने पे मैंने टिकट दे दिया। और फिर उसने कहा कि मैंने वर्करों से मशवरा किया। मुझे बताइए, जो खुद टिकट का दावेदार है वो कौन सी अच्छी राय देगा मुझे? अब मुझे वो भी गिला नहीं था। अगर वो कहती कि आपको टिकट नहीं है, मुझसे मशवरा करती या मुझे कन्वे करती, शायद मैं मान भी जाता, शायद मैं मान भी जाता। पर जिस तरह से उसने थोड़ा डिक्टेटरशिप अंदाज में दिखाने की कोशिश की कि मैं सुप्रीम हूँ, तुम कुछ नहीं हो, तुम्हारी औकात कुछ भी नहीं है, थोड़ा दुख तो हुआ, बट मुझे लोगों ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। जिस बंदे को टिकट मिला उसके घर में 50 बंदे गए, और जिसको नहीं मिला उसके घर में 5,000 लोग गए। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। मैंने भी सोचा कि चलो 5,000 में 2,000 तो गलत बोलते हैं, 3,000 तो सच बोलते हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपने सही
काम किए हैं, जो 14 साल में आपने मेहनत की है लोगों का खादम बन के ग्राउंड पे, तो मुझे लगता है वो पे कर गए। एक और चीज़, एक महीने पहले पार्टी ने कहा कि डोनेशन कर लीजिए पार्टी अकाउंट में। अब मैं 18 सीधा साधा आदमी, मेरे अकाउंट में 26,000 थे, मैंने ट्रांसफ़र कर दिए बाद में सारे पैसे, 26,000 थे, मैंने 26,000 के 26,000 ट्रांसफ़र कर दिए। बाद में मुझे किसी बंदे ने कहा, अरे बुद्धू तुम कितने सीधे साधे हो, ये 26,000 नहीं मांगते, ये 26 लाख मांगते हैं पार्टी टिकट के लिए, तुम्हें ये सब समझ में नहीं आता। मैंने कहा नहीं, मुझे ऐसा टिकट नहीं चाहिए जो खरीदना पड़े, इसका मतलब मुझे अपने लोगों का गला काटना पड़ेगा, मुझे करप्शन करना पड़ेगा, मुझे कमीशन खाना पड़ेगा, तभी मेरे को टिकट मिलेगा। ऐसा जो ऊपर वाला करता है अच्छे के लिए करता है, शायद उसने मेरे लिए और दरवाजे खोल के रखे थे। तो सबसे ज्यादा दुख इस बात का नहीं है कि टिकट नहीं मिला, बल्कि इस बात का है कि आपसे मशवरा नहीं, मुझसे पूछा तक नहीं गया, ये गिला है। अदरवाइज टिकट का क्या है, आज 5 साल MLA नहीं बनता फिर क्या फर्क पड़ता, पिछले 7 साल तो हम बैठे हुए हैं, ना MLA ना कुछ, फिर क्या होता उससे। बट महबूबा मुझे, मुफ्ती साहबा ने मुझे इस लायक नहीं समझा, हालांकि वो मुझे भाई बोलती थी, और शायद इसी वर्ड से मैं ब्लैकमेल हो गया। यानी इस लायक नहीं समझा कि आपसे मशवरा, मुझसे पूछिए कम से कम पूछे तो ना, ये करने वाले मतलब ठीक है, आप पावरफुल नेता है मानता हूँ मैं, पार्टी पे पकड़ भी है मानता हूँ, आप MLA भी रही हैं यहाँ की वो भी समझता हूँ मैं, तो यही सब चीज़ें देख के तो मैं खामोश रहा। बट अब आपने कत्ल भी कर दिया, अब आप फिर भी बोलती हो अपूप भी ना करो, ये कहाँ का इंसाफ, ये सियासत है। मुझे तो, मैं तो सीधे कहूँगा, मुझे महबूबा मुफ्ती साहब ने ब्लैकमेल किया सिर्फ एक वर्ड से कि आप मेरे छोटे भाई हो, बस मैं इसी पे मेहनत करता रहा, मैं उसका छोटा भाई हूँ, मुझे मेहनत करनी पड़ेगी। कभी भी मैंने उसको बोला नहीं होगा कि मैं आपके लिए काम कर रहा हूँ, कितना काम कर रहा हूँ, कहाँ 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 मैं रीच आउट कर रहा हूँ आपके लिए, वो खुद ही से मैं लेता था वो इनिशिएटिव। मैंने कभी उनसे नहीं कहा कि मैं ऐसे कर रहा हूँ आपके लिए। उसने कहा शायद एजाज के पीछे कोई है नहीं, शायद मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई उसको। अब मुझे उम्मीद है शायद अब उसको लगता हो कि मैंने क्या खोया, मेरे पास हीरा था तो उसने खुद तोड़ दिया, खुद ही उसने फेंक दिया वो दरिया में। एजाज साहब जब मैंडेट नहीं मिला उसके बाद कहीं ना कहीं तो थोड़ी हलबली हो गई होगी, हलबली मच गई होगी, कुछ वर्कर्स गए होंगे, तो उसके बाद क्या कभी रीच आउट करने की कोशिश किया? रीच आउट करने की है उसने, ऐसा नहीं है नहीं किया, बट बैक स्टैबिंग के बाद, पॉलिटिकल बिट्रेयल के बाद आपको लगता है वो रीच आउट होता है? कत्ल करने के बाद कोई पछतावा नहीं होता, अगर आपको करना ही था तो कर लेते। जब उन्होंने 2014 में मुझे टिकट दिया, मैंने तब भी टिकट नहीं मांगा, उसने वहीं से खुद से आके दिया कि तुम्हारे 7,000 वोट अपने हैं, क्योंकि तब काफ़ी टफ कंपटीशन था। अगर हर जगह मुझे PDP की थी, इस कनेक्शन से मैं नहीं थी, क्योंकि महबूबा मुफ्ती साहब का खुद MLA रही की थी इस कनेक्शन से की, और मैंने आज भी टिकट नहीं मांगा। क्यों मांगता? मैं उनको बोलता कि आप मुझे टिकट दीजिए, वो मेरी ह्यूमिलेशन नहीं होती? 14 साल जिस बंदे ने नॉन स्टॉप आपके लिए काम किया और फिर उसको टिकट मांगने पड़ेगा, मुझे लगता है उससे शर्म की बात कोई नहीं, और वो तो मैं अपने जमीर का कत्ल करता। तो आपको उम्मीद थी कि आपको ऑटोमेटिकली टिकट मिल जाएगा काम की वजह से? काम बोलता है ना, काम मैंने बेदागे से, ईमानदारी से, खुलूस से किया, मैं तो लोगों का खादिम बन के रहा। शायद उसको ही समझने में कुछ उसको लगा कि इसके साथ कोई नहीं, क्योंकि मैंने कभी वफद नहीं भेजा, कोई डेलीगेशन नहीं भेजा अपने लिए, अपनी वकालत करने के लिए मैंने किसी को नहीं भेजा। तो PDP की वर्किंग कमेटी के पास आपकी तरफ से कोई नहीं गया? नहीं, कोई नहीं, कभी नहीं, नहीं ना, मैंने किसी को जाने दिया। यहाँ 1-2 हज़ार लोग आए, कहा हम वहाँ जाएंगे उससे बात करने, मैंने कहा खबरदार मैं ठोकर मारता हूँ ऐसे मैंडेट को, अगर तुम मुझे मांगना पड़े, नहीं लेना है मुझे ऐसी टिकट। वैसे भी मैंडेट लोग देते हैं, अपना एतमाद लोग देते हैं कि आप हमारे बदले असेंबली में बोलिए, वही मैंडेट होता है। इनको पॉलिटिकल पार्टीज का जो ये कागज का टुकड़ा, ये मैंडेट नहीं होता, ये लोग डिसाइड करते हैं। आप मुझे बताइए, अब आपने ग्राउंड की हालत भी देख ली, मुझे लगता है उसको थोड़ा रिव्यू लेना चाहिए, जिन बंदों ने उसको मिसगाइड किया एजाज के साथ। कोई आपको पता है 5 कनेक्शन से वो मेरी वजह से हारेंगे, ये याद रखना। कौन सी 5? शोपियां भी हारेंगे, राजपुरा भी जाएगा,
अब तो मुझे लगता है दूसरा भी जाएगा। अब बिजबिहारा पे तो अब मैं क्या ही बताऊं, मैं नहीं चाहता इल्तिजा मुफ्ती आ रहे, पर क्या करे, मेरे 2000 रिश्तेदार हैं वहां पे, 2000 रिश्तेदार जो मेरे अपने वो है रिश्तेदार दोस्त वगैरह, हाँ वो तो कहते हैं हम वर्गीज इसको वोट नहीं करेंगे, हालांकि मैंने यहाँ से कुछ बोला भी नहीं, वो तो नहीं देंगे इसको, क्योंकि इसने जो पॉलिटिकल बिट्रेयल किया हम कभी उसको माफ नहीं करेंगे। आप देखिए जो बंदा बिहाइंड द कर्टन से आपके लिए इतना काम करता था, आपने उसी को इग्नोर कर दिया। अब मुझे धीरे धीरे लग रहा है ना, जब मैं सियासतदानों के बयान सुनता था कि ये खानदानी राज है, अब जब मैं खुद विक्टिम बना, मैं तो अब मैं सोच रहा हूँ मैं तो अब तक ब्लैकमेल हो रहा था, ये तो सच कह रहे हैं, मतलब किसी एक बंदे को जिताने के लिए आप हर किसी की कुर्बानी दोगे, हम लोग क्या कुर्बान होने के लिए, गरीब का बच्चा कुर्बान होने के लिए, ठीक है मैं गरीब हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मुझे मेरा कोई हक नहीं बनता सियासत करने में, बताइए इतनी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में इतनी पब्लिसिटी किसने पाई होगी, एक नेता बताइए मुझे जो ग्राउंड से उठ के आया हो, जिसने ग्राउंड पे काम किया, सरपंच पंच काम किया हो तो फिर ऊपर आया हो। आप सरपंच रहे, आप एमएलए रहे, आप डीडीसी रहे, अब उसके बाद आप फिर से एमएलए का इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, लेकिन इस सब के बीच में अगर हम देखें, आपने पैसे का जिक्र किया कि मैंने 26,000 रुपए जो है अपने पार्टी के अकाउंट में ट्रांसफर डोनेशन दे दिया, तो क्या आपको लगता है कहीं ना कहीं मैं हर मंथ में 2000 देता था, इलेक्शन जब आया उस वक्त 26,000 डाला, तो कहीं ना कहीं क्या आपको लगता है कि पैसा भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर बनता है जब ये टिकट डिस्ट्रीब्यूशन की बात आती है। अब देखिए ना, मेरे पास पैसा नहीं, आपने मेरी जलसा कवर किया, क्या लगा आपको लोग क्या बोल रहे थे, पैसा इंपॉर्टेंट है ऊपर लेवल पे, नीचे लेवल पे कोई पैसे की जरूरत नहीं, मैं 50,000 रुपये पर निकला हूँ इलेक्शन लड़ने के लिए, आप देख लीजिए लोग तो साथ है ना, लोग खुद ही गाड़ियाँ खुद ही तेल खुद ही खाना नहीं खाते, दिन भर साथ रहते, और क्या चाहिए, और क्या चाहिए, लोग मदद कर रहे हैं मेरी, खुद ही तेल डाल रहे हैं अपना, निकल रहे हैं साथ, तो इससे और क्या इज्जत चाहिए, कम से कम मैं तो सीना ठोक के कहता हूँ कि मैंने करप्शन नहीं किया 14 साल, कोई एक बंदा बोले मैंने 1 रुपया कमीशन खाया सियासत छोड़ दूंगा, एक बंदा बोले मैंने कमीशन खाया सियासत छोड़ दूंगा, ये तो अभी तो यही ट्रेडमार्क चल रहा है मेरा, मैं तो अपनी ईमानदारी पर वोट मांग रहा हूँ लोगों को, कि जो मैं ईमानदार रहा हूँ उस पर वोट दीजिए मुझे, जो मैं 14 साल मैंने बेलूस खिदमत की है लोगों की, मुझे उसका आप अभी वोट दीजिए उसके बदले। आपने कहा आप नहीं चाहते हैं कि इल्तिजा मुफ्ती हारे, इससे पहले हमने आपका एक बयान सुना जिसपे आपने कहा कि महबूबा मुफ्ती साहिबा के खिलाफ कोई भी बात नहीं करेगा कम से कम मेरे सामने, तो पॉलिटिक्स असाइड आपको कोई भी ग्रज नहीं है? नहीं, मुझे कोई ग्रज नहीं, कैसे होगा, बड़ी बहन है मेरी, बोला भी है, नाराज ये जरूर हो सकती है, बट मैंने बड़ी बहन बोला, बहन बहन होती है, बहन के बच्चे भी अपने होते हैं, उस लिहाज से मुझे कोई ग्रज नहीं है, बट हाँ उसके गलत फैसलों की वजह से सियासी इख्तलाफात है बस, और कुछ नहीं। तो अगर ये सियासी इख्तलाफात सुधर जाते हैं किसी न किसी तरीके से, ये हम अज्यूम कर रहे हैं, तो क्या एजाज मीर पीडीपी का दामन फिर से थाम सकते हैं? फिलहाल नहीं, जख्म ताजा है, दो सियासत में कोई परमानेंट दोस्त या दुश्मन नहीं होता, अभी जख्म ताजा है, खून बह रहा है, बड़ा टाइम लगेगा इसको, बड़ा टाइम। उसके बाद आप बतौर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट आते हैं और जमात इस्लामी जो एक 37 साल के बाद इलेक्शंस में वापस आ रही है, जो उनके बैक्ड कैंडिडेट्स हैं, जमात इस्लामी बैक्ड कैंडिडेट्स, वो बतौर इंडिपेंडेंट तमाम कैंडिडेट्स लड़ रहे हैं, उन्होंने अपना सपोर्ट एक्सटेंड किया, इस चीज को किस तरीके से देखते हैं? वही चीज है जो महबूबा मुफ्ती नहीं देख पाई, जो महबूबा मुफ्ती साहिबा नहीं देख पाई, यही वो चीज है कि मैं क्या कर सकता था। आप देखिए जो मेरी ईमानदारी थी, मेरा खलूस था, मेरी मोहब्बत थी, वही तो वो नहीं देख पाई, कम से कम मेरी ईमानदारी किसी को दिखी तो। इनफैक्ट मुझे अभी 4 मजहबी जमातें सपोर्ट कर रहे हैं, अब जमात इस्लामी ने ओपनली सपोर्ट किया, मैं तो उनका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा, जमात इस्लामी ने कुछ तो देखा होगा ना मुझ में, यही ये 4 मजहबी पार्टियाँ थोड़ी सपोर्ट करती, कुछ तो देखा होगा ना, चलो मेरी ईमानदारी देखी होगी, ये तो सही है ना, और क्या चाहिए, मेरी इज्जत तो वही जो
मेरी बड़ी बहन नहबा मुफ्ती साहिबा ने मुझे तो जमीन बूझ करने की कोशिश की, दफनाने की कोशिश की, बट ऊपर वाला है ना वो नीयत को देखता है। मेरी नीयत साफ थी लोगों के प्रति, मैं आवाम का खादिम बनना चाहता था, ना कि ये चीज़ें तो मैंने देखी नहीं थी। इन चीज़ों पे तो मुझे यकीन भी नहीं था। लोग कहते थे कि सियासी कत्ल होता है, इस बार देख भी लिया और अच्छा है, जिंदगी में एक अच्छा तजुर्बा लेके साथ चलेंगे, इससे सीखा ही बंदा कुछ। आपने कहा अभी अपनी तकरीर में कि इन बड़ी जमातों आपने अभी अपनी एक तकरीर में कहा जहां आप कैंपेन कर रहे थे कि इन बड़ी जमातों ने मुझे सियासी तौर पे यतीम करने की कोशिश की, तो इस बात से आप ये इशारतन ये चीज कह रहे हैं कि मुझे मैंडेट नहीं मिला या मुझे सपोर्ट नहीं मिला इन तंजीमों की तरफ से? देखिए मुझे जो लगा ना, ईमानदारी की कोई कदर नहीं है यहाँ, न शराफत की, न सादगी की, न खलूस की। मैंने जब भी बात की ना खलूस से बात की, वो कहते हैं ना कमी जब पाई तो अपनी ही खलूस ने पाई। मुझे लगा कि मेरे ही खलूस में कुछ कमी थी। आप बताइए, लोग किसी नुमाइंदे को चाहते हैं, महबूबा मुफ्ती साहिबा कहती है ये हमारे सीनियर वर्कर है, पहले उसको देंगे। ये तमाशा था? इसका मतलब आप लोगों की एस्पिरेशन का कत्ल कर रही हैं। आपने कत्ल किया, लोग जो चाहते थे आपने वो नहीं किया, और नतीजा आपके सामने। पीडीपी से और भी कुछ लोग निकले, अगर हम शुपियन की बात करें तो राजा वहीद साहब वहां से चले गए, वो भी टीडीसी मेंबर हैं। उसके साथ पुलवामा की बात करें तो बारी अंद्राबी साहब, उन्होंने वहां से पीडीपी को अलविदा किया। त्राल के डीडीसी मेंबर, बेसिकली वो ये क्या ये तमाम लोग मैंडेट ना मिलने की वजह से, बेसिकली अफसोस इसी बात का है, जिन लोगों ने पार्टी को क्राइसिस में चलाया, हरभगत सिंह शेंटी, राजा वहीद, बारी साहब, कयूम साहब, बिलाल साहब, ताहिर सईद, सुहेल बुखारी, इन लोगों ने क्राइसिस में पार्टी को चलाया, क्राइसिस से निकाले। जब सर महबूबा जी ने क्या किया, उन्होंने सबको वापस लिया, सबको टिकट दिया, जो अपने बंदे उनका टिकट काट दिया जो क्राइसिस में खड़ा रहे। लीडर ऐसे करते क्या, पार्टी ऐसे बनती है? अब नोट कर लीजिए, आइंदा 20 साल में पीडीपी को शुपियन और बच्ची से कोई कैंडिडेट नहीं मिलेगा, जो भी लड़ेगा वो हारेगा इनकी टिकट पे। इतनी सिचुएशन खराब हो गई कि आपको नहीं लगता? आपको नहीं लगता? मेरा तारीख में पहला ऐसा मैंडेट रहा होगा जिस पे लोग रोए, इसको टिकट क्यों नहीं दिया, हजारों लोगों ने मेरे सामने रोए। फिर मैंने उनको बोला, वो गालियां और थोड़ा उधर उधर की बातें सुनाने लगे, महबूबा तो मेरे को मेरे सामने बिल्कुल नहीं, बड़ी बहन है मेरे सामने नहीं। हालांकि कुछ लोगों को बुरा भी लगा, तारीख का ये पहला मैंडेट होगा जो किसी पॉलिटिकल पार्टी ने काटा और लोगों ने रोया, और हजारों की तादाद में रोया लोगों ने, और मेरे लिए अच्छा हुआ, मेरे लिए और भी दरवाजे खुलेंगे। एक दरवाजा बंद होता है तो दरवाजे, इन फैक्ट मेरा जो मेन पर्पस है वो है सोशल वर्क, लोगों की खदमत करना और लोगों का खादिम बन के रहना। इस सब के बीच में आपका जो इलेक्शन सिंबल है वो प्रेशर कुकर है। अब हमने नॉर्थ कश्मीर में देखा कि प्रेशर कुकर की एक वेव थी, इंजीनियर रशीद साहब की पार्टी जीत गई, इंजीनियर रशीद साहब एमपी बन गए, अब वो 20 दिन के लिए जेल से बाहर आए, उनको इंटर्म बेल मिलती है, उनकी पार्टी का निशान भी प्रेशर कुकर है जो उनकी पार्टी की तरफ से लड़ते हैं। यहाँ आप तो इंजीनियर रशीद के उम्मीदवार है नहीं, तो क्या आपको लगता है कहीं ना कहीं आप भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं इंजीनियर रशीद? देखिए उनका तो अपना कैंडिडेट है, वो किसी कैंडिडेट को सपोर्ट कर रहे हैं, किसी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को, तो कैसे ये है, ये तो उसका इलेक्शन सिंबल मैंने रखा है, मुझे प्रेशर कुकर दे दो। इनफैक्ट मैंने गैस सिलेंडर भी मांगा था, वो तराजू भी मांगा था, इन्होंने फिर प्रेशर कुकर दे दिया, तो रजिस्टर्ड चुनाव निशान सिंबल है नहीं उनका जी। मुझे मिला तो खुशकिस्मती है, लोगों के जहनों में ऑलरेडी है, बट आपकी मेहनत भी तो है। अगर प्रेशर कुकर सिंबल पे ही सब जीत जाते फिर तो सारे कैंडिडेट एआईपी के जीतेंगे, उससे थोड़ी चलता है। आपकी क्रेडिबिलिटी भी होनी चाहिए ग्राउंड पे, लोग आपको जानने चाहिए, आपको पर्सनली आपके साथ रابطे में रहने चाहिए, तभी तो वोट मिलेगा, ऐसे थोड़ी मिलता है। मैं आखिर में आपसे एक दो चीजें पूछता हूं आपकी कांस्टिट्यूएंसी के हवाले में। 2022 में डीलिमिटेशन हुई, क्या आपकी कांस्टिट्यूएंसी जब आप पहले एमएलए थे और अब आप इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं किस हद तक बदली है, और उससे अगर हम डेमोग्राफिकली देखें तो आपको पॉलिटिकली कितना नुकसान या फायदा हो सकता है? देखिए यहां से 10 गांव गए हैं वहाँ शोपियन कॉन्स्टेंस, वहाँ से 18 गांव आए हैं यहाँ, ज्यादा यहाँ कुछ हुआ नहीं डिलिमिटेशन में, ज्यादा फर्क भी नहीं पड़ेगा, ज्यादा फर्क नहीं, ज्यादा फर्क नहीं। उसके बाद आखिर में पूछना चाहूंगा, तमाम बड़ी सियासी जमातों ने अपना मैनिफेस्टो सामने रखा, उसमें दफा 370 की बात हुई, 35A की बात हुई,
के साथ साथ स्टेटहुड की बात हुई, पीएसए की बात हुई, पॉलिटिकल प्रिजनर्स की बात हुई, फिर साथ ही साथ डेवलपमेंट की बात हुई। अगर एजाज मीर कल को एमएलए बनता है तो एजाज मीर का मंशूर क्या है, लोगों के पास लेके क्या जाता है? देखिए, मैं चाहता हूँ कश्मीर जेल फ्री हो जाए, कोई भी बंदा जेल में ना रहे। मैं तो असेंबली में आवाज उठाऊंगा, आप एक जनरल एमनेस्टी दीजिए जो जेलों में है, और अगर कोई सीरियस क्राइम में मुब्तला है उसका भी जेल शिफ्ट कर दीजिए कश्मीर, क्योंकि राजस्थान, तिहार, बंगाल, वहाँ के अगर आप टेम्परेचर देखेंगे और यहाँ का देखेंगे, यहाँ उनको बड़ी मुश्किल फेस करनी पड़ रही है। एक तो जनरल एमनेस्टी के लिए लड़ूंगा मैं, नंबर दो जब जो सियासी जो मजहबी जमातें बैन है इंक्लूडिंग जमात इस्लामी उसकी बात करूंगा मैं क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम की बात करूंगा। हमारा सारा डिपेंडेंट सेब पे है, हमारे बच्चे की शादी, हमारा मकान बनाना, हमारे बच्चे की पढ़ाई, ये सारा डिपेंडेंट है सेब पे। हम लोग उसी को देख के प्लानिंग करते हैं। अगर खुदा ना खासा कभी नागहानी आफत आती है, या रिसेंटली यहाँ हेल स्टॉर्म हुआ पाडरपुरा वो गदरपुरा एरिया में, 100% फसलें तबाह हो गई। अब गवर्नमेंट कंपनसेशन कितना देगी, 5,000-10,000? उससे क्या होगा, उससे प्लानिंग आपकी बन जाएगी? नहीं। इसलिए अगर इंश्योरेंस होगा, 10,000 हम इधर से ही देंगे सरकार को, आप इंश्योरेंस कीजिए, तो उसके बाद जो हमने प्लान किया होगा फैमिली को लेकर, वो तो अगर इंश्योरेंस अगर खुदा ना खासा नागहानी आफत आती भी है तो कम से कम 10-8 लाख वो तो मिलेगा। हम लोग बेसिक नीड्स तो पूरी कर सकते हैं। इसके लिए मैं लड़ूंगा, मैं तो तामीर और तरक्की के लिए भी लड़ूंगा, उसमें भी कोई शक नहीं है, और जवानों को रोजगार मिले उसके लिए भी लड़ूंगा। मैं आप सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को प्रॉक्सीज भी कहा गया है इस इलेक्शन में। बड़ी जमातों ने कहा कि जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं ये वोट काटने के लिए आए हैं, ये प्रॉक्सीज हैं। तो कल इस एक तो पहले इस चीज को किस तरीके से देखते हैं जो प्रॉक्सी वाला स्टेटमेंट है, और दूसरा मैं इसी के साथ अपना सवाल कंक्लूड करता हूं, और दूसरा ये कि अगर आप जीत के जाते हैं और कल को किसी बड़ी जमात को जो है गवर्नमेंट बनाने के लिए कुछ एमएलए कम होते हैं, तो आप किस किस्म की आइडियोलॉजी को सपोर्ट करेंगे? देखिए, जहां तक आपने कहा कि प्रॉक्सीज रिलेटेड, मुझे बताइए, ठीक है अब लोग मुझे चाहते हैं, अब आप क्या करोगे? या तो बीजेपी में जाना पड़ेगा, लोग कहते हैं आप चुनाव लड़िए, एनसी और कांग्रेस ने अलायंस कर दिया, पीडीपी ने आपको छोड़ दिया, लोग आपको नुमाइंदा बनाना चाहते हैं, कहाँ जाओगे? बीजेपी जा नहीं सकते, फिर क्या करोगे? लोग कहते हैं आप चुनाव लड़ो, लड़ना पड़ेगा ना। तो इसका मतलब अगर लोग किसी को नुमाइंदा बनाएंगे वो प्रॉक्सीज है, अच्छा है ना। चलो बीजेपी मान लिया, एजाज़ मीर बीजेपी बैकड है, मान लेते हैं, एनसी और पीडीपी की ही मान लेते हैं, बट अगर एजाज़ मीर नहीं जीता तो फिर यह गलत है। अगर मुझे लोग वोट देते हैं बीजेपी के नाम पे भी, तो इसका मतलब लोग अपना नुमाइंदा चुनते हैं ना, इसमें गलत है क्या? अच्छा, सारे प्रॉक्सीज है, फिर क्या सही सिर्फ एनसी और पीडीपी है? उमर अब्दुल्ला बीजेपी में मंत्री था कि नहीं? उसने सैफुद्दीन सोज साहब को निकाला तब उसने वोट अगेंस्ट किया। महबूबा मुफ्ती साहब की सरकार थी बीजेपी के साथ, और प्रॉक्सीज कौन? एजाज मीर। ये तो ऐसे कह रहे हैं कि जैसे सारे 1947 से सारे गुना मैंने किए हो। मैं तो लोगों का नुमाइंदा करना चाहता हूँ, लोगों का खादिम बनना चाहता हूँ, उनका काम करना चाहता हूँ, फिर क्या करेंगे? जो लोग डिसाइड करेंगे वही करेंगे, इंक्लूडिंग जमात इस्लामी से मशवरा करेंगे, बाकी मजहबी तंजीमों से मशवरा करेंगे, आप लोग क्या चाहते हो वही करेंगे, जो लोग कहेंगे उनसे पहले भी मशवरा किया मैंने, अब भी करेंगे। बट हाँ, ये मुझे अच्छा नहीं लगता प्रॉक्सीज बोलोगे, प्रॉक्सीज जूता है तो बुरा क्या है? अब आप बताइए, आप जर्नलिस्ट है, अगर लोग मुझे वोट करते हैं, अगर वो बीजेपी को ही जिताना चाहते हैं तो फिर उनका डेमोक्रेटिक राइट है, जमहूरियत पे यकीन है ना सबको, ये क्या सीधे लेवल करोगे? वो भी प्रॉक्सी, ये भी प्रॉक्सी, फिर क्या आप ही सब कुछ हो? आपने ठेका लेकर रखा जम्मू कश्मीर का, मुझे तो लगता है यही तो मैं कह रहा हूँ, खानदान को बचाने की कोशिश। तो कल को हम क्या उम्मीद कर सकते हैं आप किस कल को देखिए, कुछ भी हो सकता है। मैंने कहा सबसे मशवरा करेंगे, उसी हिसाब से जाएंगे, बट अब तो गरीब का बच्चा भी सियासत करेगा, अब तो एजाज मीर भी सियासत करेगा, सीधा साधा सादगी तो छोड़ दी मैंने, जैसे सियासत ना वैसे हम, और उनकी तरह चोर चक्के नहीं बनेंगे, और सियासत खूब करेंगे।
चाहे किसी की लेवल पे भी हो, खराब तो आप मैं भी देखूंगा। ये क्या, ये सिर्फ अब्दुल्ला साहब खानदान और मुफ्ती साहब के खानदान से चीफ मिनिस्टर निकलेगा? अब तो गरीब का बेटा भी सपना देखेगा, मैं भी बड़े सपने देखूंगा। हार जीत ऊपर वाले के हाथ में, बट अच्छा है ना, इन्होंने वहीं तक तो पहुंचा है ना। अब मेरी क्रेडिबिलिटी पर डिपेंड करता है मैं कितने लोगों में ये हूँ सियासत में, लेकिन अब तो खाब ऊंचे देखूंगा, ये तो मैंने तय कर लिया है। बहुत शुक्रिया एजाज साहब हमसे बात करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। ये थे एजाज अहमद मीर साहब। अभी के लिए इतना ही, बाकी तमाम खबरों के लिए आप बने रहें कश्मीर लाइव।